वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छी तरह समझिए। ये मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया तो अभी मेरे को लगाना होगा सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को लगाया मैंने। ओके एक मिनट। अब मैंने अपना हिसाब से सीट बेल्ट को सेट करके लगा लिया हूँ। ये रहा सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगा लीजिए। सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। ओके उसका बाद चेक करेंगे हम गियर को। गियर न्यूट्रल है या गियर में है। ऐसे हिलेगा तो गियर न्यूट्रल है। ओके उसका बाद देखेंगे हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक को डाउन करते हैं। ये रहा हैंड ब्रेक। ये ऐसे ऊपर खींच देंगे तो ब्रेक लग जाएगी। ये ऐसे डाउन कर देंगे तो डाउन हो जाएगी। ओके उसके बाद देखते हैं ये क्या है। अभी चलाने के लिए नीचे का पैर से क्या क्या करना पड़ता है पैर का वाला पहले सीख लेते हैं। ये हो गया क्लच, ये हो गया ब्रेक, ये हो गया एक्सेल। ए बी सी ऐसे वो ए बी सी का भाषा में सीखेंगे तो इसको ये इसका लैंग्वेज में ए बी सी बोलते हैं। ओके तो ये जान लिए इसको इसका काम क्या है। ये है क्लच, इसको दबा लीजिए। दबाएंगे तो गियर चेंज करने के लिए उसके बाद कहीं पे पहले गियर चेंज करने का काम रहता है इसको। और ये कहीं पे स्पीड में जा रहे हैं तो पहले ब्रेक को थोड़ा सा दबा के उसके बाद क्लच दबाइएगा। कोई गाड़ी स्लो करना होगा तो पहले हल्का सा ब्रेक पकड़ लीजिए उसके बाद क्लच को पकड़ के गाड़ी स्लो करिएगा। इसलिए भी ये क्लच ही पकड़ लेंगे तो क्लच से भी गाड़ी रुकता है मगर क्लच ही पकड़ लेंगे तो गाड़ी तेज़ हो जाएगी और कोई डाउन जगह में नहीं रुकेगी वो गाड़ी। इसलिए और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसलिए पहले ब्रेक को प्रेस कीजिएगा उसके बाद क्लच को। ओके चलते हैं अभी अगला एपिसोड अगली तरफ। उसके बाद ये चाबी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये चाबी को घुमाया मैंने लाइट जल गई। अभी ये मीटर सब बताने लगा। ये है ऑयल प्रेशर ऑयल का मीटर, ऑयल प्रेशर मीटर। ये है डीजल का मीटर। ये है हावर्स मीटर। ये है बैटरी का मीटर। ये है वाटर टेम्परेचर। ठीक है तो ये आपका जानकारी इतना हो गया। तो गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मैं। काम का भी टाइम हो गया है तो गाड़ी को अभी ये हैंडल पूरा लॉक है। ये हैंडल लॉक है तो अभी मैं स्टार्ट करने का साथ साथ पूरा हैंडल फ्री हो जाता है। पूरा फ्री हो गया तो मैं अभी क्या करना है क्लच को प्रेस करना है। उसके बाद एक नंबर गियर लगाना है। ये फ्रंट का वन नंबर, फ्रंट का टू, आगे का एक दो है, पीछे का एक दो है। ठीक है पीछे का दो, आगे का दो है। अभी मेरे को लिफ्ट को उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये है लिफ्ट का उठाने का लीवर। इसको ऐसे डाउन करेंगे तो ऊपर जाएगी लिफ्ट। इसको ऐसे करेंगे तो डाउन होगी लिफ्ट। इसको ऐसे करेंगे तो लिफ्ट आगे जाएगा। ऐसे टील ऐसे आगे जाएगा, ऐसे अप डाउन होगा। ठीक है ये वाला तो मैंने लिफ्ट को उठा लिया हूँ। अभी चलते हैं आगे। ओके तो मैं अभी जगह में पहुंच गया हूँ। अभी मुझे रोकना है तो इसको क्लच को प्रेस किया, धीरे से ब्रेक को दबाया। ब्रेक को तो दबाया था मैंने पहले से और थोड़ा दबाया। उसके बाद गियर को न्यूट्रल कर दिया। उसके बाद गाड़ी को धीरे से छोड़ दिया, रुक गया। गाड़ी स्लो हो गया, रुक गया। उसके बाद इसको बंद करने के लिए ये है स्टॉप गियर को खींच दीजिए। गाड़ी बंद हो गई। तो गियर को खींचने के बाद गाड़ी बंद हो गई। इसको धीरे से डाउन कर दीजिए। इसको भी डाउन कर लीजिए। ये पूरा सीखने के लिए इंटरव्यू लेना पड़ेगा। बहुत दिन मेहनत करना पड़ेगा पूरा एक्सपीरियंस होने के लिए। एक महीने का करीब मेहनत करना पड़ेगा उसके बाद ही पूरा टेन हो सकते हो। मगर इससे जानकारी के लिए 5 मिनट काफ़ी है क्या कैसे होता है। ओके तो कुछ समझ में नहीं आया कुछ मैंने
फॉल्ट रह गया तो कमेंट करके बोलिए, उसमें मैं बारीकी से समझा दूंगा आप लोग का। ओके, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम हो रहा है वीडियो का भी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे लोगों को तो शेयर कीजिएगा, किस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह से मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं बारीकी से समझा दूंगा आपको। ठीक है, अभी रखता हूँ। ओके, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए प्लीज़। ओके।